वज़ीर आज़म इमरान खान से आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा ज़ाकिर हुस्नोव की मुलाकात हुई। दो तरफा तिजारत, दिफाई ताल्लुकात और सियासी राब्तों पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने OIC में आज़रबाईजान के तआवुन की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने अमन और खुशहाली के मकसद के लिए आज़रबाईजान की कोशिशों को भी सराहा। वज़ीर दिफा हुस्नोव ने आज़रबाईजान के सदर की तरफ से वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश की। आज़रबाईजान की अफवाज का दस्ता 23 मार्च को पाकिस्तान के कौमी दिन की परेड में शिरकत करेगा। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं उमर जट से। उमर, बताएगा इस मुलाकात का अहवाल। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान से आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा ज़ाकिर हुस्नोव ने मुलाकात की है, जिसमें पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान जो मजबूत दिफाई ताल्लुकात हैं उन पर गुफ्तगू की गई है। वज़ीर आज़म ने दो तरफा तजारत, सियासी राबतों और अवाम से अवाम तक के राबते पर जोर दिया है और वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान से बरादराना ताल्लुकात को मजीद वसअत देने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। एक तो वज़ीर आज़म ने OIC में आज़रबाईजान के तआवुन की तारीफ की और वज़ीर आज़म ने अमन और खुशहाली के मकसद के हसूल में आज़रबाईजान की कोशिशों को सराहा और मुबारकबाद पेश की। वज़ीर दिफा हुस्नोव ने आज़रबाईजान के सदर की तरफ से उन्होंने तहनीती पैगाम भी पहुंचाया और OIC के इनेकाद पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद भी दी और उन्होंने ये बताया कि 23 मार्च को आज़रबाईजान की मुसल्ला फौज का एक दस्ता 23 मार्च को पाकिस्तान के कौमी दिन के मौके पर परेड में हिस्सा भी लेगा और वहाँ शिरकत भी करेंगे और साथ ही दो तरफा जो ताल्लुकात हैं उनको मजीद फरोग देने के हवाले से उन्होंने भी अपने अज़्म का इआदा किया। बहुत शुक्रिया उमर अपडेट करने के लिए।